हेलो। हाँ तो भाई कैसी? बढ़िया। तो चलो होप करते हैं बढ़िया ही होंगे। चलो आज की अपनी गधा मजदूरी शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सबके फेवरेट सेगमेंट बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। हाँ जी, बिग बॉस। तो ये जितना ही आप लोगों का फेवरेट सेगमेंट है, उतना ही हम यूट्यूबर्स का प्यारा सेगमेंट है। जितने की फोटोग्राफर्स की उर्फी जावेद, एक बंदा तुम भी से कमेंट कर रहा है कि आज ढंग के कपड़े पहन के आई है, ये किसकी आवाज है? हाँ जी, बिग बॉस, बिग बॉस। जिस शो का सेंस से उतना ही संबंध है जितना कि उर्वशी का क्रिकेट से। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। एक को ऑडियंस नहीं मिलती और एक को ऋषभ पंत। और इस शो में एंकर भी वही आदमी है जिसने अपने पूरे करियर में सेम एक्टिंग की है। हाँ जी, मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। चलो तो कोई नहीं, ज्यादा बेइज्जती हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैन नहीं किया जाता। क्या मतलब मैं फुटपाथ पे सोता हूँ? सलमान खान। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बिग बॉस से सीधे और सज्जन और सिंपल और अच्छे लोगों को वैसे ही बाहर एंट्री से निकाल दिया जाता है जैसे कि घी में से मक्खी। हाँ जी, बिल्कुल लात मार के। हाँ भाई, कहाँ पर जा रहा है? मैं बिग बॉस के शो में जा रहा हूँ। भाई है क्या तेरे पास? मैं डांस कर लेता हूँ, सिंगिंग कर लेता हूँ और लोगों को एंटरटेनमेंट भी कर लेता हूँ। अबे तेरे जैसों के लिए शो बनाया है क्या हमने? चल बाहर। हाँ बहन जी, कहाँ को? शो में जा रही हूँ मैं। बहन जी है क्या तुम्हारे पास? हम शो में ले जाए तुम्हें। मैं लोग लड़ाई करवा सकती हूँ, इसक लड़ा सकती हूँ, मुंह चोरी कर सकती हूँ। अरे बहन जी, तुम्हारे लिए तो शो बनाया हमने। अरे चलो चलो, ये क्रेडिट कार्ड भी लेके जाओ मेरा। अरे भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उसका एक्सपर्ट बैंड हूँ। और भाई है क्या तुम्हारे पास? तो 8 साल से खाली पड़ा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, उसके लिए लड़ सकता हूँ। प्रधान जी आप, अरे आपके लिए तो शो बिल्कुल स्पेशली बनवाया है। अरे एक शुद्ध मुजोर और मिल जाते यार शो में, यार काम बन जाए पूरा यार। अरे लाला जी आप कहाँ जा रहे? बाप पे जा रहा है। अरे लाला जी, मैं तो आपके बाप पे गए नहीं है। जाना भोसड़ी की, कब जाएगा तू? जब शू खत्म हो जाएगा। अरे लाला जी, शू में जाना है आपको। चलो, आपकी स्पेशल एंट्री है। और हाँ जी, इस बार बिग बॉस में हमारे कुछ ऐसे टैलेंटेड लौंडे हैं जिनको मैं खुद नहीं जानता। अरे मैं क्या, एक दो को छोड़कर खुद गूगल भी नहीं जानता भाई। हाँ जी, इन सब में सबसे पहले आता है एमसी स्टैन, रैपर, मॉल स्टार, 80,000 के शूज वाला शोऑफर जो कि दो मर्सिडीज अपने गले में टांग कर चलता है। अगर ये दो भी बेचा ना, एक प्रॉपर मर्सिडीज आएंगी, प्रॉपर वाली। तो भाई आप लोगों को शायद एक बात पता नहीं होगी इसके बारे में, इसके 2.5 मिलियन से ज्यादा तो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर हैं और 3 मिलियन से ज्यादा हैं इसके यूट्यूब पर। लेकिन कुरला की जनता तो ट्विटर ज्यादा चलाती नहीं है, इसलिए भाई के ट्विटर में सिर्फ 31,000 ही फॉलोअर हैं। तो क्या करूं हाँ? क्या मतलब है 7 से नीचे वेरियंट के आईफोनों में ट्विटर बंद हो गया है? नो डाउट भाई, रैपर बहुत ही अच्छा। और दूसरा है इसमें से अब्दू, जो कि एक सिंगर, फाइटर और अपनी छोटी हाइट को लेकर फेमस हुआ है। ये वैसे तो सऊदी अरब से है, लेकिन इसको इंडिया में सऊदी अरब में बिग बॉस की रीच बढ़ाने के लिए लिया गया है। नहीं समझ आया ना? नहीं। और तीसरा है इसमें साजिद खान। हाँ जी, साजिद खान, जो कि खुद मूवीज बनाकर बिग बॉस के शो में आया है। तो आप लोग सोच ही रहे होंगे ऐसी क्या मजबूरी आ गई भाई को जो कि बिग बॉस में आना पड़ा। जी हाँ, इमेज क्लीन। हाँ जी, इमेज क्लीन। रिपोर्टेडली साल 2018 में 10 औरतों ने डायरेक्टर साजिद खान पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया था। मीटू मूवमेंट के दौरान कई मॉडल्स, एक्ट्रेसेस खुलकर सामने आई थी। भाई इमेज है, कोई पनीर की सब्जी का दाग नहीं कि बिग बॉस के साबुन से साफ हो जाएगा। मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का। और तीसरी कंसारी गोरी ना गोरी, जिनको उतना ही डांस आता है जितना कि खुद सलमान खान को।
भाई चौथा कौन है मुझे नहीं पता, और मैं ये शो देखकर अपना दिमाग खराब तो करना चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैंने देखा नहीं। जब मुझे पता चल जाएगा चौथा कौन है तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।